इस प्रकार से अंबर सिंह में आज उठाई हुई पहली बार एक टंडी लाल माटी की अपनी फार्म हाउस तक पहुंचाना है। तो इसको हमने तागे के सहारे बैंड कर दिया है। चौलाई की बुआई। नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप? वेलकम टू माय चैनल हिमराट कल्चर। दोस्तों सुबह के 6 बजे हैं और यहाँ पे हल लग रहा है। आज हम यहाँ पे बो रहे हैं मंडवा चौलाई राठी राजमा। यहाँ पर जो हमने बीज बोया तो ये बोई हमने राठी चौलाई बिल्कुल व्हाइट कलर की। इसमें ये काला और लाल दाना नहीं होता है, ये है सफ़ेद चौलाई, काफ़ी फेमस है राठ की। और ये चित्रा राजमा, ये राठी चित्रा राजमा, अलग अलग किस्म के इसमें राजमा हैं। और फिर ये मंडवा, लाल मंडवा राठ का। तो आज इन तीन बीजों की यहाँ पे बुआई हम कर रहे हैं, मंडवे की और राजमा की, और यह है चौलाई। पहला हल लगाने के बाद अब हो रही है चौलाई की बुआई इस तरह से। इस साइड को पूरा खेत के चौलाई और राजमा की हमने बुआई की है, और वहां पे आगे उस साइड को हमने मंडवा चौलाई राजमा की बुआई की है। और ऊपर से आप लगाएंगे पटियाला पाटा। आज अपनी धार में बुआई का अंतिम दिन है और अभी हम मंदिर वाले खेत में लगा रहे हैं। यहाँ पे हमारे इष्ट देवता, ग्राम देवता, नाग देवता का मंदिर है। ये खेत है, यहाँ पे नाग देवता का मंदिर है और इसी के बगल में भूमियाल देवता का मंदिर और ये लाटो देवता का। और यहाँ पे हम आज अपनी धार का अंतिम खेत लगा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे ये पदम के पेड़ अपने आप उगे हैं मंदिर के आशीर्वाद से, भगवान वासुदेव के आशीर्वाद से, महादेव रुद्र के आशीर्वाद से। हल लगाने के बाद अब मैं यहाँ पे पहली बार अपने गेहूँ कोटने की मशीन से यहाँ पे गेहूँ कोटने का एक प्रयास करूँगा कि ये मशीन यहाँ पे सफल होती है कि नहीं होती है। इस प्रकार से अंबर सिंह में आज उठाई हुई पहली बार, बहुत बढ़िया। शाम को इनको पंखे की सहायता से इसको उड़ाएंगे। शाम के 3:30 बजे हैं
और फार्म हाउस में तीसरी ड्यूटी। आजकल कई काम ही काम है, सुबह बुआई का काम, दिन में कुठाई, कई सारे काम हैं। सुबह हल जाना, फिर दिन में गेहूँ की कुठाई करना, कई सारे काम हैं, और फिर फार्म हाउस ड्यूटी भी बहुत मुश्किल से मैनेज करना पड़ रहा है। आज काफ़ी लेट फार्म हाउस जा रहा हूँ। चूल्हे में चाय चढ़ा दी है और अब करेंगे छोटे मोटे कार्य। जब तक मेरी चाय बनती है तब तक मैं कुछ पौधों पे यहाँ पे बाइंडिंग करूँगा। प्रत्येक दिन कुछ ना कुछ पौधों पे यहाँ पे बाइंडिंग की आवश्यकता हो ही जाती है। तो ये है मेरा डेबल गाला का पौधा, पोलिनाइजर वैरायटी। ये शाखा हमारी मोटी हो गई थी तो इसको हमने तागे के सहारे बैंड कर दिया है और उसको यहाँ दूसरी टंडी पर सपोर्ट दे दिया है और ये हमारा लीडर बनेगा, मुख्य लीडर। और जो शाखाएँ छोटी हैं उसको हमने टूथपिक पिन की मदद से बैंड किया हुआ है। अब कुछ पौधों में बैंडिंग करने के बाद चाय पीएंगे, मजे से बद्री गाय की दूध की चाय। अब चाय भी पी ली है 5 बजे वाली, अब कुछ पौधों में यहाँ पे बैंडिंग करूँगा। दोस्तों शाम के 6 बजने वाले हैं और अब अंतिम काम मेरा एक टंडी लाल माटी की अपनी फार्म हाउस तक पहुंचाना है। तो ये लाल माटी, इस लाल माटी से होगी कुछ दिन बाद पत्थरों पे चिनाई। तो जरा जरा करके एक एक कंडी प्रत्येक दिन लेके जाता हूँ। तो दोस्तों शाम के 6 बज गए हैं और आज के काम की छुट्टी करते हैं। आज सुबह से और शाम तक मैंने जो काम किए, तो सबसे पहले मैंने सुबह 3 खेतों में चौलाई, राजमा और मंडवे की बुआई की। फिर उसके बाद मशीन में पहली बार गेहूँ की कुटाई की। फिर अपने फार्म हाउस में आया और सेब के पौधों में बैंडिंग की और छोटे मोटे कार्य किए और एक कंडी ये लाल माटी की लेकर के गया। तो यही काम करके आज का दिन मेरा व्यतीत हुआ है। दोस्तों आज के ब्लॉग को इतना ही रखते हैं। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आए। अगर आपको हमारे ये वीडियो पसंद आता है तो हमारे चैनल हिमराज कल्चर को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ताकि हम अन्य विषय पर भी सुंदर सुंदर वीडियो बना करके आपका एंटरटेनमेंट कर सकें, आपका मोटिवेशन कर सकें। दोस्तों तब तक अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।